subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. गोवा किलर की जर्सी लॉन्च भी है आज, और गोवा किलर की लॉन्च पार्टी भी है जिसमें मिस्टर मानिक सोनी, मैं और हमारे तीसरे जो पार्टनर हैं, दे ओन किलर ब्रांड, तो किलर मिस्टर विकास जैन. तो आज इवेंट है जिसके लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस टीम को लेके, क्योंकि ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इस एनीवेज क्रिकेट हमारे देश में तो रिलीजन है, तो क्रिकेट स्टार्स बनाता है, और यहाँ ऑलरेडी जो आप लोगों के स्टार्स हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यंग कॉन्सेप्ट है, और MTV के लिए राइट चैनल है. बालाजी का कॉन्सेप्ट है ये, मैरिनेटिंग फिल्म इन बालाजी. सो ऑल टुगेदर एक बहुत ही पॉजिटिव फील है यहाँ पे. अभी हमारे प्लेयर्स आएंगे तो आप देखेंगे वो कितने एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए. जैसे कि आपने बोला इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों खेल रहे हैं, अदर क्रिकेट जिसे अपने मतलब दूसरे में इसमें स्पेशली स्माइली बॉल से खेल रहे हैं और इंडोर गेम है, तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ अ गेम विथ फन. देखिए एनी वेज हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो लड़कों के से कंधा मिला के चलें, कंधे से कंधा, और उसके लिए उस हिसाब से भी ये गेम बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें कंपलसरी आपको प्लेइंग 11 में एटलीस्ट 3 लड़कियां रखना, यू नो, तो एक इक्वालिटी की भी बात आती है यहाँ पे. लड़कियां ग्राउंड पे लड़कों की बॉल्स पे रन मारती हुई और लड़कों को आउट करती हुई, ये एक बहुत ही अपने में अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये इक्वालिटी की तरफ लेके जाता है जिसकी हमारे देश को अभी थोड़ी सी ज़रूरत है. सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं लग रहा कि आपको कहीं लेट हो गया है लॉन्चिंग के लिए? काफ़ी टीम से, जितने भी टीम्स के लगभग सभी ने लॉन्च कर चुके हैं सर. ये इस टीम में कितने न्यू प्लेयर्स हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी. देखिए ये तो टीम ही नई है ना, गोवा किलर एक नई टीम है, और लेट नहीं हो गए हैं हम. हमारा ये डिसीजन थोड़ा सा लेट हो गया कि हमें टीम लेनी चाहिए, तो हमने टीम ही काफ़ी एंड में ली, बट स्टिल हमने बेस्ट प्लेयर्स बना दिए हैं अपनी टीम में. हमारे कैप्टन रजनीश दुग्गल हैं जो बहुत ही नोन फेस हैं और बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं, और उसके अलावा हमारी टीम में बहुत सारे, क्योंकि ये यंग कॉन्सेप्ट है, तो यू नो बिग बॉस से बंदगी है, पुनीश है, ढिंचैक है, यू नो राखी सावंत, राखी सावंत इज आर TRP, कहाँ गई राखी जी. प्रैक्टिस बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, जबकि हमारे पास टाइम कम था, उसके बाद भी हमारे प्लेयर्स ने बहुत मन लगा के प्रैक्टिस की है. इनफैक्ट कल ही हमारी एक प्लेयर है ईशा, उसने वो लैंड होके 15 मिनट के लिए आई, लेकिन वो आई प्रैक्टिस करने, तो हमारी टीम का ये जज्बा है खेलने का. So, ये ग्लैमर कितना काम आएगा क्रिकेट में, ये कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि राखी आपके साथ बंदगी है? देखिए ग्लैमर तो सब जगह काम आता है ना, तो क्रिकेट भी उससे बचा नहीं है. आजकल तो IPL में भी बहुत ग्लैमर है, तो यहाँ आप लोगों के फेवरेट सेलिब्रिटीज़ ही क्रिकेट खेल रहे हैं, सो नथिंग बेटर देन दैट. और प्लस आज ये जर्सी प्लस बंदगी का बर्थडे भी है, जिसका तो सब लोग केक कटिंग भी आएंगे. हाँ, केक कटिंग भी होगा उसका. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Yes.
बाद में सबके साथ कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे बाकी क्या कहना चाहेंगे आज जो जर्सी लॉन्च है और टीम लॉन्च भी है एक तरह से देखा जाए तो गोवा की। आई एम सो एक्साइटेड के BCL में हमारी टीम है गोवा किलर किल हर और किलर आप क्या कहेंगे। तो सो एक्साइटेड के मैं इस बार BCL में प्ले कर रही हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस करी है मैंने, दिमाग में सिर्फ धोनी और विराट ही है दिमाग में और बिल्कुल अच्छी से अच्छी बॉलिंग कर रही हूँ और अच्छी बैटिंग भी मेरी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चौके छक्के लगाऊंगी मैं, बट इतनी प्रैक्टिस करी है मैंने, 8-8 घंटे 8-8 आवर्स मैंने प्रैक्टिस करी। हमारे कोच भी यहाँ हैं, कोच से भी मैं बात करूँगी, मिलवाऊँगी आपको। और कोच का स्पेशल मैसेज आता है, राखी यू आर डूइंग गुड, कोच का मैसेज आता है तो एक दिल में तसल्ली होती है कि चलो मैं क्रिकेट प्ले करने के लायक हूँ और आई कैन गो टू द ग्राउंड में मैं जा सकती हूँ। यू नो सो एक्साइटेड प्ले करने के लिए और बस जब भी मैं चौके छक्के लगाऊंगी विराट को याद करूंगी और मैं आपको सरप्राइज दूंगी कि मेरी टी शर्ट का नंबर भी मैंने 18 रखा है। राखी गोवा किलर गोवा टीम से आप बिलोंग करती हैं, गोवा में इतना ओपन कल्चर है तो कितना ज़्यादा जोड़ता है आपके पर्सनैलिटी को गोवा से? अगर तो ओपन कल्चर तो आप देख रहे हैं बिल्कुल गोवा की टीम की तरह ही बन के आई हूँ और बहुत ही अलग अलग जो सामने हमारे जो भी टीम प्ले करेगी उनको हम बहुत कड़ी टक्कर देंगे और स्पेशली फाइन लेग कब काम आएगी। सो यू नो यू कैन सी माई फाइन लेग एंड हमारी जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको बिल्कुल हम लोगों ने जो भी सामने होंगे बैटिंग करेंगे मैं बॉलिंग करूंगी तो बिल्कुल ग्लैमर का तड़का भी लगने वाला है। So, ग्लैमर का तड़का इस बार क्रिकेट में भी दिखाई देगा आपका? बिल्कुल ग्लैमर का तड़का, बिल्कुल हम बिल्कुल हॉट पैंट्स और टी शर्ट पहनकर ही हम लोग बॉलिंग और बैटिंग करेंगे बिकॉज इट्स MTV पे आ रहा है तो बहुत एक्साइटिंग है और ये मेरा सेकेंड सीजन है। फर्स्ट सीजन भी मैंने प्ले किया था और सेकेंड सीजन है और फर्स्ट सीजन से सेकेंड सीजन में मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है क्रिकेट में। हमेशा बैठ के सिर्फ देखते थे और विराट धोनी सचिन को लाइक करते थे और क्रिकेट में, और अब पर्सनली खेल रहे हैं तो पता चलता है कि रन लेना विकेट लेना चौके छक्के लगाना कितना पसीना निकल जाता है, माई गॉड कितना रन लेना पड़ता है, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ही फोकस लगाना पड़ता है। स्पेशली आप जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल विकेट को ही देखना है कि कैसे आउट किया जाए, उसी जगह पे लगना चाहिए, यू नो। तो राखी क्रिकेट और एक्टिंग में क्या समानता नजर आती है, क्या सिमिलरिटी है? नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जब एक्टिंग आप करते हैं तो आपको रिटेक्स मिलते हैं शूटिंग पे, बट जब आप बॉलिंग और बैटिंग करते हैं तो देर इज़ नो रिटेक, यू हैव अ 6 बॉल टू प्ले, यू नो, तो 6 बॉल में ही चौके छक्के लगाने हैं और ज़्यादा रन लेने हैं। मुझे बहुत रोमांटिक जैसा लगता है जब लड़का बैटिंग करे और मैं बॉलिंग करूं एंड जब मैं बैटिंग करूं लड़का बॉलिंग करे तो मेरा तो ध्यान लड़कों पे ही ज़्यादा जाता है। आपकी टीम में विराट और अनुष्का कौन है? मेरी टीम में ओ माय गॉड हमारा कैप्टन जो है रजनीश दुग्गल बहुत ही हॉट है और आई एम सो हैप्पी कि हमारा कैप्टन है वो और आई फील मेरे टीम में सभी लड़के बहुत ही हॉट है और सभी लड़कियां बहुत ही हॉट है तो पूरी हमारी गोवा किलर टीम में आग लगा देगी और पूरी आग लगी हुई मेरी टीम में तो सभी लड़कियां बहुत ही हॉट है। यू नो व्हाट हम वैलेंटाइंस के दिन ही प्ले कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट मैच है और हमारी फर्स्ट मैच चेन्नई के साथ है तो वैलेंटाइंस के दिन बिल्कुल भी हमें एक वैलेंटाइंस बनाने के लिए नहीं मिल रहा है लेकिन हम
हमारे सामने की जो चेन्नई की टीम में शायद अच्छे लड़के हो तो हम लोग ग्राउंड में ही वैलेंटाइन मना लेंगे. थैंक यू सो मच. जी फर्स्टली मैं आई एम ऑनर्ड कि उन लोगों ने मतलब मुझे चूज़ किया है गोवा किलर का कैप्टन होने के लिए. और पहले तो हमें ये डर था कि हमारी टीम में प्लेयर्स कैसे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लास्ट मिनट था, क्योंकि एक नई टीम है जो फॉर्म हुई है. एंड इवेंचुअली जब हम लोगों ने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन ट्रायल्स किए तो फाइनली नाउ वी हैव अ गुड टीम. एंड मैं कह सकता हूँ कि हमारी टीम एक बहुत ही कंपेटिटिव टीम है जो किसी भी अच्छी टीम को एक अच्छी फाइट दे सकती है. तो हमारे पास अच्छे 5 से लेके 7 खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर्स हैं, जो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट एज ए कैप्टन कि चलो मेरे पास वेपन्स हैं. जी प्लानिंग यही है, ऑब्वियसली एक मैच करके खेलना है, एक एक ओवर करके खेलना है, एक एक बॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी. तो हम लोग कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे. एंड हमें पता है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं. तो और हमारे मैचेस दिल्ली और चेन्नई के साथ दोनों के साथ हैं पहले ही लीग राउंड में. तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो, बट हम सब काफ़ी कॉशियस होके खेलेंगे. फर्स्ट मैच चेन्नई के साथ में है, जी काफ़ी अच्छी टीम मानी जा रही है. हाँ, क्या कोई प्रेशर? जी अभी देखा जाए तो फिर सी पहला मैच ही हमारा वैलेंटाइंस डे पे है. तो मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक हमारा कलर भी ऑरेंज है, रेड से काफ़ी पास है, और उनका भी येलो है. तो कहीं पे येलो और ऑरेंज मिलके रेडी बनेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैचेस जो हैं वो अच्छे जाएं. बेसिकली एक अच्छी फाइट होनी चाहिए. इट शुड बी लाइक अ नेल बाइटिंग मैच. अब ऑब्वियसली द बेस्ट टीम विल विन उस दिन, क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑल्सो गेम ऑफ डे एंड वी जस्ट होप दैट इट इज़ आर डे. और रजनीश, राखी ने तारीफ की कि काफ़ी हॉट हैं रजनीश, तो आप कहेंगे राखी हर में जी राखी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके टीम के लिए? जी राखी हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक शी इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग गर्ल. एंड राखी का हमने नाम भी रॉकी रखा हुआ है, क्योंकि रॉकी जो है वो एक रॉक हैं. एंड वो हमारी पूरी टीम को बीच बीच में मोटिवेट करते रहती हैं एंड प्रैक्टिस में बहुत रेगुलर हैं, जबकि हमने सोचा नहीं था कि वो इतनी रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगी. लेकिन शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वी होप दैट ओपोनेंट्स के वो छक्के छुड़ा दें. जी मैंने अभी एक कॉमेडी फिल्म ख़त्म की है, तेरी भाभी है पगले, और कृष्णा हैं और मैं हूँ. एंड अब मैं एक थ्रिलर हॉरर फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, सो इट्स कॉल्ड मुश्किल. तो उसमें कुणाल रॉय कपूर हैं, मैं हूँ, नाजिया हैं, पूजा भिष्ट हैं और अर्चना शास्त्री हैं. जी मेरे लिए एक्चुअली वैलेंटाइन डे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरा नेक्स्ट डे, विच इज़ माई वाइफ्स बर्थडे पल्लवी, 15th फेब. और प्रॉब्लम यह है कि उस दिन भी मैच है. तो ठीक है, आई थिंक कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे मेरे लिए 15th फेब है. एंड उस दिन के प्लान्स ऑलरेडी बन चुके हैं. होपफुली हम लोग उस दिन का मैच जीतेंगे एंड उसके बाद फिर पार्टी करेंगे. थैंक यू. पूरी टीम अभी दिखाई नहीं दे रही है, अभी पूरी टीम आने वाली है यहाँ पे. पर अभी जितने हम 3 आ गए हैं अभी हम संभाल लेंगे यहाँ पे जो भी मैदान है, और पूरी टीम हम संभालेंगे जो वो मैदान वहाँ पे गेम में. नाम में ही रखा है गोवा किलर. जी किस तरह से धमाल मचाने वाले हैं? कैप्टन से पूछिए हमारे. जी मैं इतना कह सकता हूँ कि गोवा किलर जो है काफ़ी सोच समझ के नाम रखा है. एंड हमारे एक वन ऑफ आर स्पॉन्सर इज ऑल्सो किलर जीन्स, सो वो भी कुछ सोच समझ के आए हैं हमारी टीम में. एंड यहाँ पे जो 3 लोग हैं ये अपने आप में ही किलर्स हैं. एंड ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं आप ओपनिंग बैटिंग है जो आपके सामने खड़ी है अभी.
एंड आई थिंक वी विल किल इट. आज बंदगी का बर्थडे भी है तो कोई सरप्राइज पार्टी सरप्राइज क्या कुछ प्लान किए हैं? आज बर्थडे हो तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज है. सो आई थिंक अभी हो जाएगी. और क्या ओके अयास किस तरीके कैप्टन है रजनीश? सी कैप्टन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूरी होती है कि पूरी टीम को साथ में लेके चले. दूसरा संयम सब्र. बड़े बड़े शब्द यूज कर रहा हूँ मैं. इज अ कैप्टन कूल. या कूल बेसिकली. कैप्टन हैज टू बी कूल लाइक एमएस धोनी. सो इनके अंदर वो स्वभाव है. इज वेरी काम हेडेड एंड ही नोज बेसिकली क्या कर रहा है. अभी मैं यहाँ से जाऊँगा फिर आप पूछिए दोबारा. फिर रियल आंसर निकलेगा. फिर ये रियल आंसर था मेरा. सो आज क्या बदलने वाला? क्या स्ट्रेटजी आप बताने वाले थे रजनीश के सामने? वो स्ट्रैटेजी हम बताने वाले थे लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं. इसके लिए आपको तो एक्चुअली हमारा मैच देखना पड़ेगा जो कि एमटीवी पे आने वाला है. सो आप जाइए और देखिए हमारा मैच, वहाँ समझ में आएगा. सो सबसे ज़्यादा हंक एंड स्मार्ट गोवा किलर्स ही मानी जा रही है एक तरह से देखा जाए तो. और फर्स्ट मैच वैलेंटाइन पे है तो क्या स्पेशल होने वाला है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में आप ही जवाब दो. मैंने तो दे दिया. देखो हैंडसम और हंक की बात करें तो सामने खड़े हैं, इसके आगे कुछ कहेंगे नहीं. और रही बात वैलेंटाइंस की तो क्या है कि सी मेरे ख्याल से आज हग डे है. मैंने एक फ़ोटो देखी थी जो आई थिंक इंस्टा उस पर डाली थी किसी ने और उसमें एक जना आगे खड़ा हुआ था और पीछे कोई बैठ के हग रहा था. सो वी डोंट वांट टू डू दैट टुडे बट आई थिंक वैलेंटाइंस डे पे हम लोग अपना मैच खेलेंगे पहला एंड वी विल ट्राई एंड विन इट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच. एग्जैक्टली. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स. He's the man behind all of this. The killer team here. ओके ओके. इनका गाना भी गा लूंगी मैं, नो प्रॉब्लम. द ओनर्स आर एलन एंड मानिक सोनी. या विकास जैन को डन डन रोलिंग रोलिंग ऑफ है. ऑन किया स्टार्ट है. मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. ठीक है. हेलो. हमारी BCL में गोवा जो टीम है गोवा किलर तो ढिंचाक पूजा हमें सपोर्ट कर रही है. तो कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो बताओ? कितने एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छे सपोर्ट करूँगी और हम ही जीतेंगे. स्ट्रेटजी है पूजा आपकी जो शेयर कर सकते हैं हमसे? स्ट्रेटजी है कि मैं पीछे से मोटिवेट करूंगी, उनको कॉन्फिडेंस दूंगी जो कि मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जी नहीं. बट आपने हमारे लिए गोवा टीम के लिए कोई सॉन्ग बनाया है? नहीं अभी नहीं बनाया. बनाऊंगी बट बनाना जरूर बनाना. तो और एलन जी हमारे ऑनर है. ऑनर है एलन जी.
और मानिक सोनी एंड विकास जी. या और पूजा ये कहना चाहूंगा बिग बॉस के बाद जिंदगी कितनी बदली है और क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखती हैं अपने फेम को अपने सक्सेस को. जी बहुत चेंज हुई है, आप देख ही रहे हैं कितनी चेंज हुई है और है ना सब बहुत अच्छे हैं और मिल रहे हैं इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, सलमान जी से मिलने का मौका मिला, न्यू एक्सपीरियंसेस हुए मुझे और बस बढ़िया है सब. अच्छा कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो देखा जाए तो सिंगिंग न्यू प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं, अभी मैं ले नहीं रही हूँ. और सलमान क्या कि मजाक भी करते थे काफ़ी आपसे, तो क्या कैसे कैसे फील होता था, आप हल्के में लेती थी कि आप सीरियस हो जाती थी उस बात? देखिए सलमान जी मजाक कर रहे हैं तो उनका मजाक भी बहुत मायने रखता है. राइट, सलमान जी राइट. गोवा किलर के ऊपर कोई गाना सोचा? बट थोड़ा सा सोच के गा दो कुछ भी गोवा किलर के ऊपर बनता है. कल पर तुम अपलोड कर देगी बट बना दो हाँ कुछ भी एक अभी थोड़ी देर में बना दूँ, अभी थोड़ी देर में बना देगी और बता देंगे आपको. आपके साथ राखी आप बोल भी रही थी उनका गाना गाने वाली आप. हाँ गाइए आप तो कौन सा गा दीजिए आप बताओ कौन सा वाला गाओ. साथ में गाते चलो एंड दिलों का स्कूटर शूटर नीचे बूम हाँ बूम थोड़ा नीचे हाँ स्टार्ट बूम थोड़ा नीचे. सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ, आ, मुस्काना है कोई क्यूटर, दिलों का शूटर आ, आ, बेवफा बेवफा बेवफा. तो राखी कभी आप दिखाई देंगी इनके सॉन्ग पे कुछ? आई तो लव टू बिकॉज शी सिंग्स वेरी गुड एंड मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इनकी आवाज़ पहुंच चुकी है. जो सलमान खान अक्षय कुमार को पसंद आ गया तो दूसरी बात तो सब छोड़ ही दो. अच्छा you know? इस वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, कोई खास प्रिपरेशन कुछ क्या प्लान से कुछ है? शी डजंट हैव अ बॉयफ्रेंड, इट्स ओके. अच्छा सलमान को मैसेज देना हो तो क्या देना चाहेंगे सलमान को मैसेज? या इस वैलेंटाइन काफी मैसेजेस ट्वीट पे एक्टिव रहते देखा जाए तो फिर तो इसके लिए क्या मीडिया है? सलमान को मैं ये कहना चाहूंगी अच्छा हुआ आपने शादी नहीं करी, सही डिसीजन था. वाओ रिसेंटली वो बोले थे कि लड़की मिल गई उन्हें, तो फिर क्या कहना उसके बारे में? लड़की मिल गई उन्हें? डोंट टेल मी वो अपकमिंग फिल्म के लिए मिली. अपकमिंग फिल्म के लिए अच्छा तो मैं प्रे करूंगी अच्छी हो और वो बहुत अच्छे रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें. जो वो कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, मोटिवेट करते हैं. मुझसे पर्सनली उन्होंने बात की, बहुत अच्छे हैं वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, सलमान इज द बेस्ट. थैंक यू सो मच. अरे मानिक जी यहाँ पे देख वेरी गुड. अभी योगेश जी का व्यक्ति मैडम आप जोर से पकड़ो एकदम होल्डिंग बहुत टाइट है जगह नहीं मैडम रुकिए मैम. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Look here, ma'am. Yes. Look here, ma'am. Put him here, but. Thank you. Killer jeans and killer. Killer sir, killer. देखो, I want to be from killer. मैंने आते हैं ना, मैंने आराम से मेट नहीं करा ना यार. तुझे और जगह की बात करा. ये देख तो bites लाऊं. Bites कहाँ लेनी है? यार, पंकज. Thank you. Everybody look here. Madam, you look center. Madam, look center. Hello. How are you? Like you? My God, how are you? Rajiv, this way. Many. Yes. Yes. Master, look, my solo, ma'am. Solo, ma'am. Okay. Ma'am, solo, solo. Ma'am, solo, ma'am. Solo, ma'am. Last question, who is your main competitor?
चलो भाइयों, पूरा टीम नहीं मिलेगा अपना फोटो मिलेगा। हेलो थोड़ा लो ना यार, बिकेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, फिर पीछे दिख रहे उतने देख सकते हैं पिताजी, उससे ज्यादा बेचे गए ऐसे ही रहना भैया। थैंक यू हो गया विश्वास।